देखें हमको कब तक ये इश्क नहीं होता। अनदेखा हो अनजाना हो, कुछ हो अपना कुछ बेगाना, हर जाने पहचाने को यूं अपनाना, इश्क नहीं होता। हो गए मौलवी साहब से बात? हाँ हो गई, गवाह मौलवी सब इंतजाम हो गए। गुड, चलो। अब बात सुनो, ये तुम गाड़ी में रख दो ना जेवर। इससे पहले कितनी बार भागी हो? एक बार पहले भागने की कोशिश की थी तो आपने पकड़ लिया, अब दूसरी बार भाग रही थी आप इसके साथ। कितनी ढिटाई से ये बातें कर रही हो तुम, जरा भी ख्याल है खाला खालू का, अपनी बहनों की इज्जत का? कितनी मेहनत से उन्होंने बचा के रखा अपनी इज्जत को और तुम उनकी इज्जत को दांव पर लगाने चली थी। अरे तेरे तो रंग ढंग ही बिल्कुल दामादों वाले थे, बहुत अच्छा किया वैसे। नहीं अम्मा, मजाक नहीं कर रहा था, वाकई गुस्से में था, सुबह से भूखा बैठा होता अम्मा। अरे चल मुझे ना बना एमी। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। बात ये है कि हमारी शहनीला जो है ना, उसकी तो अपने खाला के यहाँ हो गई। आप लोग इतनी चाह से आ रहे थे तो मैंने ये सोचा कि बहन बहन में क्या फर्क। लेकिन बहन बुरा मत मानिएगा, अब जो एक जरा सी बात पे ऐसी बिल्लो बिल्लो मची है तो हमने भी सोचा कि हम भी साफ साफ क्यों ना बात कर लें। बहन जरा आहिस्ता आहिस्ता बोलो, मुझे तो तुम्हारी बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जरा मुझे समझाओ तो सही, क्या बोल रही हो? देखिए सीधी सी बात है, शहनीला के लिए तो उसकी खाला ने कहा हुआ था, मगर हम आपके तकाजे सुन सुन के चुप हो गए। लेकिन एक जरा सी बात पर आपके यहाँ ऐसा तूफान जोता गया, फिर मैंने सोचा कि हमने अपनी बहन से भी बात खोटी की और आपके यहाँ भी कोई कदर नहीं हुई। तो अब ऐसा है कि अगर फजीला के लिए आपका दिल मानता है तो सौ बिस्मिल्लाह, वरना हमारी तरफ से सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज। हमें भांजे से आगे कौन होगा, उस प्यारा का कौन? वैसे आपने बहुत अच्छा किया कि आप जान, आप खुद क्यों नहीं?
करना चाहती है। मैं तुम्हारी सगी बहन बिल्कुल झूठी कजन जाते हैं, जरा सोचो। तुम जल रही हो और बस मेरी, लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुमने तो मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। वो कासिम भाई कैसे तुम्हें डांटते थे और बोलते थे मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचो, और अब अचानक ये तोहफे तहाइफ। वो ना तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं और तुम उनके हाथों ना बेवकूफ बन रही हो। जरा सोचो वो कैसे माँ बेटा मिलके तुम्हारा मजाक उड़ाते होंगे। तुम पागल बन रही हो। कोई नहीं, खाला नहीं ऐसी। तुम तो सिर्फ इसलिए जल भून रही हो क्योंकि तुम्हारी सास और सलीम इतराए हुए खड़े हुए बैठे हुए हैं। ठीक है, मत सुनो मेरी, जो होगा वो देख लेना, लेकिन कासिम भाई को ना भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। क्या हुआ अम्मा, खाने से इनकार तो नहीं कर दिया उन्होंने? कसम अल्लाह की अम्मा, बड़ी जोर की भूख लग रही है। अगर ऐसा किया हो ना उन्होंने तो बड़ा जुल्म किया। चुप कर ना दीदे, मना कर दिया उन्होंने। क्या? हाँ, कह रही थी कि लड़की का रिश्ता तो हमने बचपन में उसकी खाला के यहाँ तय कर लिया था, आपकी ख्वाहिश थी तो हमने हाँ कर दी। अब अगर बड़ी से करना है तो आ जाओ, वरना खुदा हाफिज। कितनी बेइज्जती हो गई सलीम। ये सब कहा उन्होंने? वो आई थी ना कल बिलोमड़ी खाला, वो चाट मसाला, ये सब उसका खिलाया हुआ गुल है, ये मैं बता दूं तुम्हें। अल्लाह मियां, अब क्या होगा सलीम, आजकल ऐसी बेजबान गाय जैसी लड़कियां कहां मिलती है। बुचर खाने में। बकवास बंद कर, अब क्या होगा। अम्मा वो बड़ी के लिए राजी है? अरे उसी के लिए राजी है। तो बस बिस्मिल्लाह कर अम्मा, ठीक है। है? तू क्या उस मोटी हथनी बदशकली से शादी करेगा? हथनी से शादी करने में कौन सी बुराई अम्मा, तूने कौन सा से मॉडलिंग करवानी? अब ठंडे दिमाग से सोच अम्मा, अब हथनी मोटी नहीं होगी तो और कौन होगा, और वैसे भी तू खुद ही कहती है कि हम तो बर्तन भी भारी पेंदे का लेते हैं। अम्मा हथनी मोटी नहीं होगी तो क्या मछली होगी? वैसे एक बात कहूँ अम्मा, वेल मछली भी मोटी मस्टंडी होती है। अरे चुप कर जा, चुप कर जा, तेरा दिल ना जला। हाय हाय, क्या अच्छी लड़की हाथ से निकल गई, अब वो खाला चाट मसाला खा रही होगी, उसके हाथ से वो लौकी का रायता। सलीम अम्मा, अम्मा रोना धोना बंद कर और चलने की तैयारी कर, उठ जा अम्मा, अल्लाह की ना शुक्री नहीं करते। देख अम्मा खाने पे बुला रहे हैं, साथ में अपनी बेटी का रिश्ता भी दे रहे हैं ना अम्मा, दे रहे हैं ना। ठंडी ठंडी उठ जा अम्मा, ये रिश्ता भी हाथ से ना निकल जाए। अरे कमबख्त, अरे पहले इतना साबिर हो जाता ना, उस वक्त तो गजबनाक हो गया था। चलो चलो, अब क्या करे, सारी जिंदगी ना ससुराल के हाथों दबाई रहेगा तू। चल चल। मैं भी तैयार हो रहा अम्मा, तू भी जल्दी से तैयार हो जा, फिर चलते हैं। जा सलवार पहन। आप जान, आप जान आ रही हैं वो। पहले तो इस कदर गुरूर था, अब देखिए कैसी मिनमिनाती हुई आ रही हैं। देखो फजीले, इस तरह से हवा में महल बनाना अच्छा नहीं होता, और रिश्ते अंदाजों पर नहीं तोड़े जाते हैं। है क्या अंदाजा आप जान, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। तुम तो मुझे बात करने देती नहीं हो। क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, मेहमान नहीं आए? ए, जीते रहो, वो भी आ रहे हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, शनीला का रिश्ता तय कर दिया।
अब कोई अच्छी जगह देखकर ना फजीला का भी घर है। देखा आपने मास्टर, देखिए अपने मुंह से साफ नहीं कह रहा, कह रहा है कि फजीला का कहीं रिश्ता तय कर दे। अरे मेरे चांद, मेरे बच्चे, तुम्हारी अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम फिक्र मत करो। और मैंने बजाय इधर उधर की लातियां पोतियां करने को साफ दो टोक कह दिया, करनी है तो फजीला से करो, शहनीला तो हमारे घर में ही रहेगी। क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। समझा दूंगी मैं तुम्हें, क्या मतलब, तुम तो जाओ ना, क्या कि तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। अरे आपा आप जान, मैं तो भूल ही गई थी। जा रही हूं। तुम बस ना आज शाम तक का इंतजार कर लो, वो लोग आए ना तो पूछ लेना साफ साफ। हाय अल्लाह, मैं गलती से टकरा गई। क्यों, एक ऐसी समझदार निकली मेरी बच्ची, मैं तो अपनी चुप रहने की आदत में मामला बिगाड़ने वाली थी। क्या हुआ भाई, मैंने तो सलीम की अम्मा से साफ साफ दो टोक अल्फाज में कह दिया कि हमने फजीला का रिश्ता करना है, अगर जी में आती है तुम्हें सही लगता है तो ठीक है, वरना रास्ता नापो। ठीक किया अम्मी आपने, बदमिजाजी का आलम देख रही हैं आप, कैसे पैर घसीटती हुई गई है वो। अरे सब मिजाज ठिकाने पर आ जाएंगे जब मालूम होगा। देखो तो मेरी नाक के नीचे सब हो रहा है और मुझे पता ही नहीं कैसी माँ हूं मैं। लेकिन मैं भी उसकी बहन हूँ, कैसे नहीं समझती वो। अरे तो इसी नेक नियती का इनाम भी तो अल्लाह ने तेरे लिए रखा है। क्या? नहीं अभी नहीं बताऊंगी, पहले फजीला को सरप्राइज मिलेगा। देखना। मैं तो मुसीबत में फंस गई हूँ कासिम, बहन की मोहब्बत में तुम्हें यहाँ भेजा था, सोचा था कोई भांजी आ जाएगी तो मेरी खिदमत करेगी, यहाँ पहुंची हूँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। हुआ क्या है अम्मी? तुम जो यहाँ राजा इंदर बने बैठे हो तो मैंने सोचा कि फजीलत से बात कर लूं कि तुम्हारी दिलचस्पी छोटी में। अरे वो तो जैसे उधार खाए बैठी थी, छठ शनीला के ससुराल फोन कर दिया, रिश्ते से इनकार कर दिया कि खाला ने रिश्ता मांग लिया, अब फजीला से शादी करनी है तो कर। शनीला? हाँ वो तो अपने जानो यही सोच रही है ना कि तुम और शनीला, अब क्या होगा। एक मिनट अम्मी, एक मिनट, ये जो फजीला है इसका रिश्ता अब सलीम से हो रहा है और शनीला का तुमसे। अब ये तो नहीं मालूम ना कि तुम छोटी से पींगे बढ़ा रहे हो, अब ये मालूम होगा कि तुमने फजीला को बोरी भर के जोड़े दिए तो फिर सोचो क्या कयामत आएगी। नहीं, फजीला मेरी कजन है, बेचारी सारा दिन सिलाई मशीन पर झुकी अपने कपड़े सीती रहती है पैसे बचाने के चक्कर में, अगर मैं उसके लिए कुछ जोड़े लेकर आ गया तो इसका मतलब है मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। हाँ और ये छोटी के साथ जो चक्कर चला रहे हो ना तुम, पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। क्या हो गया अम्मी आपको, कैसी बातें कर रही हैं। अच्छा अच्छा कासिम, अब मजीद ना बहकाओ मुझे तुम, अब तो ये पंडोरा की पटारी खुलेगी और सारे खानदान के सामने खुलेगी, फिर पता चलेगा कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। हो गया, अजीब किस्म की बातें कर रही हैं। क्यों आती है यहाँ पे, काम के लिए आती है, फोन लेने? फोन लेने या ठगने? तुमने खुद उससे कहा था कि फोन मुफ्त है। वो तो ऐसे ही कह दिया था। ऐसे क्या मतलब, तुम जैसे लोग इसी तरह लड़कियों को हिरासा करते हैं, हर चीज कहते हो मुफ्त ले ले, जब वो सच समझ ले तो कहते हो ठग लिया। देखो शुरफा तो जो जबान देते हैं उस पे कायम रहते हैं ना बहन। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, जब तक।
तक ये इश्क नहीं होता। यार आबिस, हमें ना आज नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? वो लोग आएंगे तो आ जाए, जेवर मांगेंगे तो मैं भी अपने मोबाइल मांग लूंगा, वो मारेंगे। अबे भाई वो शरीफ लोग हैं, ऐसा सोचने से पहले ही मर जाएंगे। और हमारी जबान में शरीफ आदमी को बुजदिल कहा जाता है। अरे नहीं यार आबिस, मेरी ना सुबह से आंख फड़क रही है, पिटाई होगी। तेरी पिटाई होने वाली है। अच्छा वो घर तो पहुंच गई होगी ना? अबे तू क्या मामू लगता है उसका? और वैसे भी उसका हमें मामू बनाने का और चूना लगाने का प्लान था। वो मुझे कौन है? हाँ भाई डर गए ना, अब बातें मुझसे कर रहे हो? कासिम भाई, कासिम भाई मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोलो। आपको साफ साफ जवाब देना होगा, इकरार करना होगा ताकि दुनिया वालों का मुंह बंद हो सके। किस बात का? पहले आप वादा करें सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं सच बोलूंगा, बात तो बताओ। वादा? पक्का वादा? पक्का वादा। कासिम भाई वो क्या है ये सब, ये क्या मकसद है इन बातों का? किन बातों का? यही तोहफे लाना। और सुनो मेरी बात, तुम मेरी कजन हो और इस नाते मुझे अजीज हो, बस समझी ना, कोई उल्टी सीधी बात जहन में मत लाना। यानी कि आप? यानी कि मैं जॉब के लिए वहां से यहाँ आया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम तीनों बहनों में से किसी पर दिलो जान से आशिक हो जाऊंगा। और वो कस्टर्ड? क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गई तुम? मैं समझ रहा था गलती से तुमसे उसमें नमक डल गया, तुम लोगों को डांट ना पड़े इसलिए मैंने वो खा लिया, और तुम पता नहीं। वो जोड़ा जो आप लाए थे मेरे लिए, वो तरस आ गया था मुझे तुम्हें इस तरह सिलाई करते हुए देखकर और पैसे बचाते हुए देखकर। और खुदा के वास्ते मेरी एक बात समझ लो, मैं सिर्फ तुम्हारा कजन हूँ, और खुदा के लिए मुझे खुद पर इस तरह आशिक करवाने की कोशिश करना छोड़ दो। बल्कि मुझे क्या, किसी भी शख्स को खुद पर आशिक करवाने की कोशिश करना छोड़ दो तुम लड़कियां, समझी? हटो। दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा हाँ भाई यार तुझे मिसिंग करूंगा तो किसे करूंगा? तुम आबिस हो? हाँ जी। वो उसको तंजीला को जानते हो? कौन तंजीला? वो मेरी कजन है, असगर साहब की बेटी, तुम्हारी मोहल्लेदार है। अबे वो तंजीला, उसे कौन नहीं जानता, अबे सारे मोहल्ले में सर मारती फिरती है। तमीज से बात करो, कजन है मेरी। अबे भाई कजन है तो घर में संभाल के रख, आवारा बकरी की तरह हर लड़के के साथ आइसक्रीम खाती फिरती है। चोर ही नहीं बेशरम भी हो तुम, इसी मोहल्ले में रहती है, तुम्हारे लिए मोहतरम होनी चाहिए। ओहो ऐसा क्या करती जो मोहतरम है? वो एक लड़की है, लड़कियों का एहतराम करना चाहिए। लड़कियों का एहतराम करवाना चाहिए? क्यों आती है यहाँ पे? काम के लिए आती है, फोन लेने। फोन लेने या ठगने? तुमने खुद उससे कहा था कि फोन मुफ्त है। वो तो ऐसे ही कह दिया था। ऐसे क्या मतलब, तुम जैसे लोग इसी तरह लड़कियों को हिरासा करते हैं, हर चीज कहते हो मुफ्त ले ले, जब वो सच समझ ले तो कहते हो ठग लिया। भाई वो गलत लड़की है। अच्छा गलत लड़की है, इसलिए कि उसने तुम्हारी आदतन की जाने वाली ऑफर कबूल कर ली? देखिए गलत बात कर रहे हैं आप। अगर तुम मर्द हो ना तो जो बात करो ना उस पे पूरा उतरो। खैर तुम क्या समझोगे इन बातों को, जेवर क्या है? कौन सा जेवर? छोटी जब घर से निकली थी ना, सारा जेवर पहनकर निकली थी, तुमने उसका फोन और जेवर गाड़ी में रखवा लिया था और निकल गए थे, कहाँ है? ओ भाई पहले मेरा मोबाइल और टेप मिलेगा फिर जेवर। मोबाइल और टैब में ला दूंगा,
तुम जेवर लेकर यहाँ आ जाना, समझे ना? और जो लड़कियां तुम्हारी शॉप में शॉपिंग के लिए आती हैं ना, उनके साथ इस किस्म की फजूल बातें मत किया करो। ये कारोबारी एथिक्स के सख्त खिलाफ है। और जो बात कहो ना उसमें पूरा उतरो। आऊंगा मैं जेवर लेने। अबे कौन है मौलवी, इतनी नसीहतें करके चला गया? सब सुन लिया है बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कासिम ने ये ऐसा क्यों किया है। वो तो अच्छा हुआ कि फजीलत ने पहले ही उन लोगों को कह दिया। तो तुम उदास मत हो, सलीम बड़ा अच्छा लड़का है। बस तुम उदास मत हो, और सलीम की माँ बहुत अच्छी लेडीज है। बस कर दे, मेरा तो दिल फट जाएगा। कासिम, ये तूने क्या जुल्म किया है? बस बस सब ठीक हो जाएगा, बस ना। बस 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 बहन देखो, गैरों में रिश्ता करते हुए ना वैसे भी दिल धड़ धड़ करता है, और फिर ये रिश्ता, और फिर ऐसा रवैया हो तो। अरे बहन, तुमने तो छोटी सी बात दिल पे ले ली। ये जो मेरा सलीम है ना, इसका गुस्सा जितना तेजी से ऊपर आता है उससे ज्यादा तेजी से नीचे आ जाता है। चलो अच्छा हुआ बात खुल गई। अब देखो लड़कियों के अब्बा से बात करती हूँ, बड़ी के लिए वो मानते हैं कि नहीं। बहन तुम तो कह रही थी कि दोनों बहनों में कोई फर्क नहीं होगा। ये तो मेरी सोच है ना, अब मेरे हस्बैंड की सोच तो फर्क है। देखो शुरफा तो जो जबान देते हैं उस पे कायम रहते हैं ना बहन। अम्मी आप ठीक कह रही हो। चली। अच्छा मैं आ रही हूँ, जरा मेरी बात पर। नहीं नहीं मेरी बहन आप बैठिए ना पहले। हाँ मैं बैठ जाऊंगी, मगर मेरी बात तो सुन लो। हाँ। मैंने अभी बात पूरी की नहीं है। आ रही हूँ। हाँ। बस आती हूँ, दो मिनट बैठ जाओ फिर बाद में चली जाओ। अरे एक मिनट, आ रही हूँ। हाँ चलो, क्या मुसीबत है? अम्मा अम्मा पाँव पड़ जा, दुपट्टा कदमों में डाल दे। अम्मा मुझे इनके तेवर ठीक नहीं लग रहे, बना ले इनको। अम्मा तुझे अल्लाह का वास्ता। कम वक्त उस दिन गुस्सा ना करता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अम्मा तुम तो एक ही बात के पीछे डंडा लेके पड़ गई हो। मैं तो अपने बच्चों का रिश्ता लेने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करती, क्या क्या पापड़ नहीं बेलती। वही बेल रही हूँ। आने तो दे, एक मिनट फिर घड़ी देख। देख तो रही हूँ, मैं देख रही हूँ ना घड़ी। जल्दी से चीजें लेकर आओ ताकि मैं उसके मुंह पर मारूं और ये सब किस्सा खत्म हो। किस सब से? यही तुम लोगों की इश्किया दुनिया। एक तो इस घर में हर एक आशिक बनने को तैयार है। तुम लोगों को बीमारी तो नहीं है ये आशिकी वाशिकी की? हो सकता है खाला का मतलब कुछ और। तुम क्यों इतना जल रही हो? कासिम भाई तुम्हें पसंद नहीं करते इसलिए। मेरी मानो तो तुम खाला से साफ साफ बात कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा गलतफहमी का शिकार बन जाओ मेरी तरह। जब तक ये इश्क नहीं होता, लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। क्या हुआ? वो जो फजीला है ना वो रो रही है। क्यों? मुझे क्या पता, खाला और वो दोनों। ये क्या तमाशा है? पता नहीं छोटी ने कासिम भाई के कान में क्या कहा कि ना वो घर से ही निकल गए। इलाही खैर। अच्छा आप जाएं, मैं ना फजीला की सास के पास बैठती। हाँ मेरी बच्ची तो जाके बैठ। सुनो ज्यादा बातें मत करना उनसे। अम्मी मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। नहीं नहीं मेरी बच्ची तू तो बहुत समझदार है। जाऊं देखूं क्या हो रहा है? फजीला तो तौबा है। मुझे तो लगता है कि वो खाला के सामने ना दिल खोल के बैठी हो। ऐसी दिल खोल के बैठ गई? भले से खाला है, कल को दूसरा रिश्ता कायम होगा तो यही बातों के कचोके लगेंगे। अच्छा आप जाएं, मैं भी जाती हूँ। जाओ देखो मैं।
क्या हो गया? मैं तो सलीम वाले रिश्ते से बहुत खुश थी, लेकिन वो सड़ी शक्ल वाली औरत वहाँ पहुँच गई। उन लोगों ने अपना इरादा बदल दिया। हैं? सलीम का रिश्ता तुम्हारे लिए आया था पहले? बिल्कुल मेरे लिए आया था, और किसके लिए आता? लेकिन उस मनहूस औरत ने अपनी शक्ल दिखा दी वहाँ पे, पता नहीं क्या नजर आया उसमें उनको। और फिर अम्मा ने कहा तो, और कासिम भाई तो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरी बच्ची। और आप ये शहनीला? शहनीला क्या? वो तुम्हारी माँ ये समझ रही है कि मुझे शहनीला पसंद है। पसंद तो है लेकिन। लेकिन क्या खाला? अरे मेरे पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है, ये तो कासिम। तो कासिम भाई को? बस बेटा क्या बताऊं, कासिम को तो कोई तीसरी ही पसंद है। कौन है वो? कौन है वो? खाला आपको कसम है, कसम है कासिम भाई वाली बात किसी को नहीं बताइएगा। ये क्या मिसकॉटे हो रही है खाला भांजी के बीच में? अरे कुछ भी नहीं, बस बातें करते करते तुम्हारे मरहूम भाई याद आ गए, आंख में आंसू आ गए। भैया आय अल्लाह, मेरे मकसूद भाई, कद भले से छोटा सा था मगर दिल कितना बड़ा था, किसी ने नहीं सोचा ही है। अल्लाह उनको गरीब रहमत से जगह ले। अरे मेरे अल्लाह, मैं तो पता नहीं क्या सोचने बैठ गई थी। वो लोग आ गए बैठक में बैठे, आप लोग भी तशरीफ ले आइए। और हाँ फजीला, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुझे बहुत नागवार गुजरा है शनीला का वहां रिश्ता होना? ले मेरी गुड़िया, मैंने मना कर दिया। मैं जरा चाय वाय देख लूं, आप लोग आ जाइए। चलते हैं अरमां, मेरा दिल रोता है, किस्मत का दस्तूर बड़ा ही। अरे आंटी आपको पता है हमारी जो खाला है ना बहुत अमीर है, और उनके घर में ना दो दो कुक हैं, दो दो। अच्छा तो वो दो कुक मिलके जो इतना खाना बनाते हैं वो आता कौन होगा? ऐसे ही कह रहा है सली, तेरे खाला के घर तो सिर्फ टूटू दो लोग हैं, किसके लिए बनाता है इतना खाना? भाई एक तो बनाता है खाला के लिए और दूसरा कासिम भाई के लिए। क्यों, तेरी खाला कुछ पढ़ती पढ़ाती हैं जो उनका खाना अलग बनता है? वैसे अल्लाह बख्शे हमारी भी एक मुमानी थी, पता नहीं क्या क्या पढ़ती थी, उनका भी खाना अलग बनता था। एक दिन गलती से ना किसी ने वो बड़े गोश्त का सालन जो था उसका चम्मच उनके साग में चला दिया। वो तो मरते मरते बची हैं। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, वो जो हमारे कासिम भाई है ना वो तो देसी खाना नहीं खाते। हाँ हमारी जो खाला है वो ठहरी रिवायती, शायद इसलिए। अच्छा ये बात है। तो ऐसा है, मैंने जब भी कुछ पकाया ना तो बस मजाक में ही पकाया, और वो जो कासिम भाई है ना वो हंसते हंसते खा गए, जैसे नमक वाला कस्टर्ड, बुरादे के कोफ्ते और मिर्चों वाला पान। हाँ भाई जब ऐसा ससुराल होगा तो तू तो मजाक ही पकाएगी। वैसे ना मम्मी अभी आने वाली होंगी, मुझे तो लगता है वो फजीला है ना वो कभी नहीं मानेगी, सुबह से रो रो के ना उसने आसमान सर पे उठा रखा है। एक मिनट और देख ले गरीब अम्मा। तू टोपी पहन और दुआ मांग कि कुछ हो जाए। अल्लाह या अल्लाह मेरी शादी जल्दी फरमा। क्या हुआ, कहाँ है वो फोन और टैबलेट? फोन तो शनीला आप ही के पास है, और अगर टैब दे दूंगी तो फिर मैं क्या करूंगी? तुम तीनों बहनें पागल तो नहीं हो? इतना घटिया 2% का इंसान है वो आदमी, दिल चाह रहे तुम्हें और उसको एक एक थप्पड़ रसीद करूं।
कोई इस तरह से बात करते अपनी छोटी सी कजन से? छोटी सी कजन की ना पिटाई करनी चाहिए। दो कौड़ी का आदमी है वो, इतनी मेरी उसने बेइज्जती की है तुम्हारी वजह से। कह रहा था पता नहीं हर आदमी के साथ आइसक्रीम खाने के लिए तैयार हो जाती और क्या क्या बकवास कर रहा था वो। आपको जेवर वापस मिला? तुम फोन और टैबलेट दोगी तो वो जेवर देगा ना? मनहूस कंजूस कहीं का, अल्लाह करे मर ही जाए। फालतू बातें छोड़ो, जल्दी से चीजें लेकर आओ ताकि मैं उसके मुंह पर मारूं और ये सब किस्सा खत्म हो। किस सब से? यही तुम लोगों की इश्किया दुनिया। एक तो इस घर में हर एक आशिक बनने को तैयार है। तुम लोगों को बीमारी तो नहीं है आशिकी वाशिकी की? वैसे आप बड़े अजीब हैं। आपसे एक छोटा सा काम क्या कह दिया, आपने मुझे इतनी सारी बातें सुनाई हैं। और वैसे भी क्या हो गया अगर एक बार गलत आदमी के साथ भागने का प्रोग्राम बना लिया मैंने? कुछ सीखा ही है ना, अगली दफा किसी अच्छे आदमी के साथ भाग जाऊंगी। अगली दफा क्या मतलब है तुम्हारा? तुम फिर भागने के लिए तैयार हो? घर से निकल के दिखाओ, जान से मार दूंगा तुम्हें, समझी? जाओ लेकर आओ सामान, जाओ। आज तो सारा दिन ऐसे गुजरा है जैसे तेज गाम गुजरती है, छक 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 छक। क्या हुआ? जो सारी उम्र नहीं हुआ वो हुआ। बोलो भी, क्या पहेलियां बुझवा रही हो? हमारी शहनीला है ना, बड़ी समझदार, उसने मुझे बताया कि फजीला कासिम को पसंद नहीं करती है। हाँ, उधर आपा ने ऐसा अंदिया दिया कि मैं समझ गई कि वो शहनीला को पसंद करती है। बस फिर मैंने अपनी आंखें माथे पे रख ली और सलीम की अम्मा को कोरा सा जवाब दे दिया। ये क्या किया तुमने? हाँ, ये क्या किया तुमने, आगे तो सुनो। और जब उन्होंने सुना तो वो ऐसी सटपटाई कि फट यहाँ आ गई। और फिर क्या बताऊं तुम्हें, बस जमीन पे नाक रगड़ने की देर थी। ऐसी मिन्नत समाजत की है उन्होंने फजीला का रिश्ता मांगने में कि क्या बताऊं। वाकई? हाँ हाँ, हाय हाय, मैं तो हैरानी रह गई कि लड़के वाले होके इस कदर मिन्नत समाजत कर रहे हैं, इस कदर मिन्नत समाजत कर रहे हैं। वरना ये सलीम ही था करेले किसी नाक वाला, इनके मिजाज ही नहीं मिला करते थे। ओए, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, काश मैं भी ये मंजर अपनी आंखों से देखता। अभी तो मैंने उसको टरखा दिया है, मैंने कहा कि लड़कियों के बाप से मशवरा करके फिर बताऊंगी, लेकिन अब के आए तो तुम भी मौजूद रहना, अपनी आंखों से सारा मंजर देखना। हाँ हाँ, और सुनो, अब ज्यादा करना मत, हाँ कर देना। भाई रिश्ता तो वैसे भी फजीला के लिए आया था ना, यूं ना सही यूं सही, ऐसे ना सही वैसे सही। बिल्कुल, और क्या। चल, ये मसला है। दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा टूट गया। तो फिर कर ली तुमने कासिम भाई से बात? कर ली। पता चल गया? चल गया। वैसे ना सलीम भी इतना बुरा नहीं है, बस पेटू है। उफ तौबा है, किस कदर बन रही हो तुम। तुम्हें तो बहुत दुख हुआ होगा ना सच जान के। मुझे पहले से मालूम था। बस रहने दो, पहले तो तुम बहुत बढ़ चढ़ के बोल रही थी। सलीम की अम्मा ने तुम्हारे लिए मना क्यों किया? इनकार उन्होंने नहीं किया, अम्मी ने खुद किया। ओह, तो तुम्हारा रिश्ता सिर्फ मुझे खुश करने के लिए? तो यही कि लड़कियों से फालतू बात करने की क्या जरूरत, और तुमने क्यों कहा कि तुम उसको मुफ्त में चीजें दोगे? वो तो बंदा कह ही देता है ना, वो भी तो उठा के ले गई चीजें। अरे नहीं करनी चाहिए ना, जो चीज पूरी ना हो सके वो बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए। अच्छा मेरे बाप, अच्छा। बस यार आबिस, आइंदा ना ऐसी हरकतें नहीं करना यार। ठीक है ना,
ठीक है, कल भिजवा दूंगा। खुदा हाफिज। लो भाई, फजीलत की लड़की तो ऐसी समझदार निकली, सब कुछ शहद का घूंट समझकर पी गई। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है? अरे तुमने उस लड़की का दिल दुखाया कासिम। तो इसमें मेरी गलती क्या है? हर बात को उल्टा मतलब ले रही थी। कसूर तो तुम्हारा ही था। चले मान भी लिया कसूर मेरा है, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना। अरे कहाँ से ठीक हो गया है, मेरा तो दिल हौल रहा है। इस रिश्ते के बाद फजीला तो यही चाहेगी कि अब शनीला का भी रिश्ता हो जाए, और उसे कौन नजर आएगा? कासिम बेटा, मैं तो कहती हूँ यहाँ से भाग जाते हैं। क्या? हाँ, भाग जाते हैं चुपके से। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। अगर तुम्हें कासिम पसंद नहीं था तो पहले बताती। अरे वो तो अच्छा हुआ कि बात आगे ना बढ़ी। ये किसने कहा आपको? शनीला ने। वो फजीलत का फोन आया था, आ रही है वो उस चाट मसाला खाला के साथ। अरे वाह अम्मा, ये तो बड़ी गुड न्यूज हो गई। क्या गुड न्यूज? अरे बावले यहाँ आके मना कर दिया तो। जेवर वापस करो। कौन सा जेवर? वो जेवर और फोन जो तुमने तंजीला से गाड़ी में रखवाया था। बेटा जी, तुझे यहाँ से टका भी नहीं मिलेगा। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। देखे हमको कब तक ये इश्क नहीं होता। अनदेखा हो अनजाना हो, कुछ हो अपना कुछ बेगाना, हर जाने नहीं होता। लगे रहे